और फिर नदी में राफ्टिंग करने के बाद हमने वही किनारे पर कैंप लगाया और हमने खुद ही खाना बनाकर खाना खाया और वो बहुत ही अच्छा एडवेंचर था जो हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? ये मेरे पापा के दोस्त की कंपनी ने बनाई है ना मजेदार? ये तो बहुत मजेदार है। ताज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बाहर खाना खा रहे हैं इसीलिए इसे आउटडोर राइस बोलते हैं ना? सही कहा ना मैंने? नहीं, इसे आउटडोर लाइफ कहते हैं। आजकल खूबसूरत नेचर के साथ रहना शहर के लोगों के लिए आसान नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना शिजुका? हाँ सही कहा। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे भी जंगल में जाकर रहना है। मेरे ख्याल से जियान जंगल के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें भी आउटडोर राइस खाने चाहिए अब, है ना? तुम्हारा मतलब है आउटडोर लाइफ, है ना? बिल्कुल सही। तो चलो देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी टापू पर चलें दोस्तों? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों की जिंदगी बहुत कमजोर हो गई है, खास तौर पर नोबिता की। जब भी कुछ होता है तो ये डोरेमोन के पास भाग जाता है। हाँ, हम उस वीरान टापू पर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, समझे ना? हाँ जियान, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम सब उस टापू पर जाएंगे कैसे जियान? इसके लिए हम डोरेमोन से एनीवेयर डोर के लिए बोलेंगे। अच्छा, ऐसी बात है, तुम भी तो डोरेमोन का गैजेट चाहते हो और मुझे बोल रहे हो। चुप हो जाओ, तुम्हारे पास तो अगर डोरेमोन नहीं होगा तो एक दिन भी तुम उस वीरान टापू पर नहीं रह सकते। ये बिल्कुल गलत है, मैं डोरेमोन के बिना भी उस वीरान टापू पर रह सकता हूँ। तो नोबिता, फिर वहाँ जाकर तुम डोरेमोन 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 मत चिल्लाना, समझे ना मेरी बात? हाँ समझ गया। अच्छा तो मैं देखना चाहता हूँ, क्यों, तुम क्या कहती हो शिजुका? वो चिंता मत करना दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे साथ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं एक बात सोच रही थी कि वहाँ शार होगा भी या नहीं दोस्तों? हाँ वहाँ पर होगा शिजुका। होगा तो फिर मैं चलूँगी। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, कल हम सब नोबिता के घर मिलेंगे और वहाँ से किसी वीरान टापू पर चलेंगे। हाँ। नोबिता, तुम सच में ये करना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ डोरेमोन, मैं सचमुच जा रहा हूँ। तुमने मोमो डैड से इसके बारे में पूछ लिया है क्या? मैंने मोमो डैड को कहा है मैं स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर कैंपिंग करूँगा। तो ये बात है, खाना तैयार है? ठीक है। तुम देखना, मैं तुम्हारी मदद के बिना उस टापू पर रह पाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद लेता हूँ। चलो जल्दी खाना खाते हैं। नोबिता को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन असलियत में ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं वो ये कैसे करेगा। ला 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 ला। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे हाँ, आइडिया, एनिमल पावर बॉक्स। मैं चुपके से इसे इसके अंदर डाल देता हूँ, अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हम सब तैयार हैं डोरेमोन? क्या सब कुछ तैयार है? हाँ दोस्तों, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, लेकिन तुम लोग संभल के जाना, ठीक है ना? जानता हूँ डोरेमोन, लेकिन परसों सुबह तक तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करना, और जब हम सब लोग वहाँ पर चले जाएं तो इस डोर को तुम वापस निकाल लेना, समझे? और कोई परेशानी हो तो तुम्हारे बैग में। डोरेमोन, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। कितना खूबसूरत है ना सब कुछ? हाँ शिजुका, और यहाँ की हवा शहर की हवा के मुकाबले कितनी ताजी है। इस टापू पर सिर्फ हम चार ही हैं। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और अब हम चारों मिलकर इस टापू पर मचाएंगे धमाल। ठीक है, सबसे पहले हम इस टापू को कोई नाम देते हैं। जैसे कि ये कहलाएगा जियान का टापू, और क्या। और अब इस महान जियान के टापू की पहली याद के लिए।
इस कैरियोके सेट की मदद से मैं एक गाना गाऊंगा। अरे जियान, तुम इसे यहाँ पर भी उठा कर ले आए। बिल्कुल। अब हम क्या करें? मेरे पास इलेक्ट्रिक कुकर, पॉट और इलेक्ट्रिक स्टोव है। ये सारी चीजें बिजली से चलती हैं नोबिता, और इस टापू पे हमें बिजली कहाँ से मिलेगी? हाँ ठीक कहा। और तुम क्या लाई हो? मैं लाई हूँ सोप, टॉवल, शैम्पू, कंडीशनर, मॉस्किटो रिपेलेंट और इंसेक्ट स्प्रे और मेरे कुछ कपड़े, ठीक है ना? इसका मतलब खाने पीने की चीजें सिर्फ मैं ही लाया हूँ। अब हम सबका काम इतने खाने में कैसे चल पाएगा? ठीक है, चलो कुछ मजा करते हैं। अरे बैग के अंदर और भी कुछ है। अरे ये क्या? अरे तुम खिलौने भी लाए हो? हाथी की सूंड? ये सारी चीजें तो जानवरों की लगती हैं, है ना? ऐसी चीजें यहाँ के लिए बिल्कुल बेकार हैं। हम यहाँ पर इनसे खेलने नहीं आए हैं, समझे? सबसे पहले हम जगह ढूंढेंगे जहाँ पर हम अपना टेंट लगा पाए, ठीक है? कितना ठंडा पानी है। अरे ये रहे, ये लोग तो बिल्कुल ठीक है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब अलग दिशा में जाकर खाने की चीजें ढूंढेंगे। ठीक है सुनियो, मैं जाकर फिश पकड़ता हूँ। और मैं लकड़ी लाता हूँ। ठीक है, मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे यहाँ तो बहुत सारी मिल गई हैं। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। पकड़ ली। अरे ये क्या? अरे पकड़ ली। मछली पकड़ना इतना आसान काम थोड़ी है, ये जियान भी ना। यहाँ तो फ्रूट्स नजर ही नहीं आ रहे। मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ। ओह नोबिता, ये तो सो गया, अब इन लोगों के खाने का क्या होगा? अरे ये केले तो चल रहे हैं। अच्छा तो तुम केले लेकर आए हो, अब जल्दी से ये सारे केले मुझे दे दो। चलो चलो जल्दी करो, दे दो मुझे। लगता है तुम मानोगे नहीं। रुको, वो केले मुझे दो। रुक जाओ रुक जाओ, वो केले मुझे दे दो। ये तो शिजुका है। अरे वाह, नेचुरल शार। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शार ले लेती हूँ। मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। इतनी मेहनत करके मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ, चुपचाप खा लो, नहीं तो तुम्हें ये भी खाने को नहीं मिलेगा। सही कहा, वैसे ये बहुत टेस्टी है। हाँ।
नई नोबिता और उसके दोस्त क्या कर रहे होंगे? उनकी फिक्र मत करो, वो बहुत ही होशियार हैं, जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी वो स्कूल के पीछे की पहाड़ी पर ही तो गए हैं। देखो ये सिर्फ बच्चों का कैंप है, उनको मजे लेने दो। इन्हें तो असलियत पता ही नहीं है। लगता नहीं ये टेंट ज्यादा देर तक रहेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चांद कितना सुंदर लग रहा है। नोबिता और उसके दोस्त भी इस चांद को देख रहे होंगे। देखता हूँ वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। अरे लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, शायद सब लोग सो रहे होंगे। अब हम क्या करें, लगता है इस तरह हम निकल ही नहीं पाएंगे। सुनियो ये तुम्हारा ही आइडिया था ना यहाँ पर आने का, अब कुछ करो जल्दी से। क्या क्या तुम भूल गए? तुम भी यहाँ पर आने के लिए गोरिल्ला की तरह उछल रहे थे, तुम भूल गए हो। चुप रहो, हम सबको वो वीडियो दिखाया तो तुमने ही था ना। गलती तुम्हारी है। देखो तुम दोनों रुक जाओ, लड़ाई मत करो ना, मुझे घर की याद आ रही है। इतने खतरनाक मौसम में हमारा ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर यहाँ जानवर रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, है ना दोस्तों? ठीक कहती हो। इंसान वैसे काफी कुछ जानता है। हे नोबिता, जरा अपना दिमाग लगाओ और डोरेमोन से बात करने का कोई तरीका ढूंढो जल्दी से। और उससे कहना कि यहाँ पर अपने गैजेट लेकर आए। पर हमें तो डोरेमोन की मदद नहीं चाहिए थी ना। नोबिता रुक जाओ, नोबिता। अरे ये कहाँ भाग गया, इसे हम कहाँ ढूंढेंगे? मुझे लगता है कि नोबिता का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे नहीं, ऐसे बुरे वक्त में। अरे जिया, समझ गया, शायद वो डोरेमोन नहीं रखा था। हाथी की छोटी सी सूंड है। अब इससे क्या होगा? लगता है मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है, हाथी जैसी। मुझे बचा लो, मैं आ गया। नोबिता तुम कहाँ थे? ये वक्त सूंड से खेलने का नहीं है। वो देखो नीचे जियान गिर गया है, उसको बचाने की कोशिश करो। तुम फिक्र मत करो सुनियो। नोबिता ये तो जरूर डोरेमोन का गैजेट है। हाँ, मैं जिस जानवर का बॉडी पार्ट लगाऊंगा मैं उसी की तरह बन जाऊंगा, समझे दोस्तों? हे, मुझे जरा जल्दी से नीचे उतारो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, रुक जाओ। हे मेरी बात सुनो। बहुत ही खतरनाक तूफान था ना। हमारा टेंट और हमारा सामान दोनों ही यहाँ से गायब हैं। चिंता मत करो, हम जानवर की ताकत से और साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ एक घर भी बना सकते हैं दोस्तों। हाँ आइडिया अच्छा है, क्यों ना हम सब मिलकर एक नया घर बनाएं दोस्तों। मैं मदद लूंगा इसकी, दो दांतों से कुछ भी काट दूंगा। मैं इन कटे हुए पेड़ों को उठाऊंगा और मैं यूज करूंगा गोरिल्ला की पावर इन सबको इकट्ठा करने के लिए। वुडपेकर की एनिमल पावर। हे, 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 हे,
है ना ये शानदार घर? हाँ, सही कहा तुमने शिजुका। यकीन नहीं होता, इस घर को हम सब ने बनाया है दोस्तों। ऐसे घर में तो हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसे जानवर की ताकत और हमारे साथ ने बनाया है, सही कहा ना शिजुका? मैं हमेशा से ही एक ऐसे घर में रहना चाहती थी। हाँ? वैसे मुझे भूख लगी है। ठीक है, अब घर तैयार हो ही गया है तो क्यों ना लंच ब्रेक लिया जाए। हाँ क्यों नहीं, अब हम खाने की तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मैं और सुनियो फ्रूट्स लेकर आएंगे। अब तो हम दोनों आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। मंकीज के लिए ऐसा करना आसान है। बहुत आसान है। हे, कैसे हो तुम लोग? जियान देखो यहाँ कितने सारे फिशेस हैं। इस बार तो मैं इन्हें बहुत आसानी से पकड़ लूंगा। भालू का पंजा, और ये मेरी बड़ी चोंच, और अब अपनी इस बड़ी चोंच से मैं आसानी से मछलियाँ पकड़ पाऊंगी। शिजुका, क्या तुम मछली पकड़ने के लिए तैयार हो? हाँ जियान, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये लो, ये भी, ये भी, ये लो, और चाहिए ये लो। जियान बस करो, उतनी पकड़ो जितनी खा सको, ये बहुत ज्यादा हो गई। सॉरी, वो दरअसल मुझे बहुत आसान लग रहा था। ये चल क्यों नहीं रहा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ज्यादा ही खा लिया, अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सबसे अच्छा होता है। जियान ने भी फिश पकड़ने में बहुत मेहनत की है। जियान भालू जो बना था। और हमें देखो, हम कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं, है ना नोबिता? पर सच में जानवरों की ताकत कमाल की होती है। क्यों? हाँ ठीक कहा, चलो अब पेट भर गया है तो क्यों ना खेले। खेल तो लेते जियान, लेकिन मेरे पास एक ही ड्रेस है और ये गंदी हो गई तो? चिंता मत करो, कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं शिजुका। अरे ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। आ जाओ नीचे। अरे वाह, ये चल गया। लगता है वहाँ तूफान आया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे वहाँ जाना ही होगा, वो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो लोग रो रहे होंगे, मुझे वहाँ जाना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आ गया। अरे सब लोग कहाँ पर हैं? मैं आ गया दोस्तों। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सही कहा जियान, बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। मेरे दोस्त मुसीबत में है, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। अरे ये क्या, वो तो हंस रहे हैं।
अरे देखो वो डोरेमोन है ना। ओए डोरेमोन, अरे अरे तुम यहाँ कैसे आए डोरेमोन? तुम यहाँ नहीं हो फिर भी हम कितनी खुशी से रह रहे हैं। तो मैंने बेकार में इतनी मुश्किलें सही। हाँ क्या हुआ डोरेमोन? तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोना चाहिए, समझे डोरेमोन? क्या हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी? यहाँ आना नहीं चाहिए था।